अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर में कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने भी जाएंगे। इसके अलावा रामलीला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। निर्माणाधीन बस अड्डा और भजन संध्या स्थल का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं सत्य प्रकाश। जैसे ही 1.25 करोड़ रोजगार देने के बाद फिर से एक बार मुख्तलिफ जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने, राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये भी जानेंगे। इसके अलावा क्या क्या कुछ जानने वाले हैं सीएम योगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो कहीं ना कहीं दौरा माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर निर्माण को लेकर होने वाले भूमि पूजन और मंदिर निर्माण को पिछड़ा जो है वो अटके हुए हैं, आपत्ति में जाना की भूमि पूजन भी किया जा सकता है। तो वही दूसरी तरफ अयोध्या के विकास की खाका भी तैयार हो रहा है, विकास के साथ व्यक्त कर रहे हैं, विकास नई रणनीति तैयार की जा रही है, जिस तरह से अयोध्या को पूर्ण रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही अयोध्या बैठक के बाद रामलला का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, संतों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो पूर्व में दीपोत्सव के दौरान जो कई योजनाएं उन्होंने अयोध्या को दी है उसका निरीक्षण करने के लिए भजन संध्या स्थल या फिर बस अड्डा कल कई स्थानों पर जाएंगे और वहां पर पूरा निरीक्षण होगा। उसके बाद नई योजना के तहत एक बार फिर अयोध्या को कुछ न कुछ नया विकास का योजना भी मिल सकता है। कहीं ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल सत्य प्रकाश, जिले में कितने कोविड के मामले सामने आए हैं, क्योंकि कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपने तमाम विकास योजनाओं को जिक्र किया, कौन कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिन पर फोकस रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ, उन पर फीडबैक लेंगे? जिस प्रकार से जो कोरोना का मामला है लगभग में जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसको देखते किस प्रकार से लोग क्योंकि में माना जाता है टेस्टी तस्वीर है, तो उसको देखते हुए जो कोविड हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण किया है, वहाँ पर जायजा ले रहा है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं और बेहतरीन बनाई जा सके। साथ ही अयोध्या को जो है एक बजट स्थल और अंतर्राष्ट्रीय बर्थडे के रूप में निर्माण किया जाए, वही महत्वपूर्ण चीज यह है की अयोध्या में भगवान कृष्ण का सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, ये माझा बराज का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के मार्ग एक दूर पर है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि बस अड्डा में चले जाएंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छे। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए।